बताते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द्विघात समीकरण, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, समझो इसको। मतलब द्विघात समीकरण का डिफिनेशन उसने लिखना नहीं, इतना भी टाइम है नहीं, ठीक है। यानी वैसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इस फॉर्म में हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे द्विघात समीकरण। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको यह भी द्विघात समीकरण है और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी यह भी द्विघात समीकरण है और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का ये जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे व्यापक रूप, जनरल जनरल फॉर्म, ठीक है। इसे बोलेंगे व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। तो यह भी द्विघात समीकरण है। यहाँ यह द्विघात समीकरण कैसे है? द्विघात समीकरण में जो तुमको जैसे ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पर a does not equal to zero, इस केस में b does not equal to zero और c does not equal to zero है तो भी द्विघात समीकरण होगा। और इस केस में हम बात करें, इस सेकंड केस में, ठीक है, इस सेकंड केस में ए बराबर जीरो नहीं है, यानी ए डज नॉट इक्वल जीरो, मतलब ए जीरो बराबर नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो रहता तो जीरो होता नहीं अभी, लेकिन यहाँ पर क्या है? बी बराबर जीरो इस केस में। और इस केस में जब बात करेंगे थर्ड केस में, तो यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो उल्टा लिखा गया, नहीं नहीं ठीक है। इस केस में पहला केस में कोई नहीं जीरो है, सेकेंड केस में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड केस वाला मेरा है, ठीक है, सेकेंड केस वाला है। तो सेकेंड केस में क्या देखते हैं? तो सेकेंड केस में ये सेकेंड केस है, यहाँ पर क्या है? ए डज नॉट इक्वल जीरो, बी बराबर जीरो है। इस केस में क्या है? ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और सी बराबर जीरो। चलो ये केस, यानी यहाँ इसमें भी यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ए जीरो नहीं है, जीरो जीरो नहीं है, क्या है? बी बराबर जीरो है। इस केस में क्या है? सी बराबर जीरो। तो ये सब द्विघात समीकरण का फॉर्म हुआ, यानी ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है, ये द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का मेरे पास दो तरीका है। पहला तरीका, पहला क्या है? गुणनखंड विधि। पहला क्या है? गुणनखंड विधि। और दूसरा क्या है? दूसरा तुमको है, पहला मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स सॉल्व करने का मतलब एक्स का मान निकालना। तो पहला तरीका इसका क्या है? गुणनखंड विधि। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होता है सूत्र से, किससे? सूत्र से निकालते हैं। यानी सूत्र क्या होता है? इस द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये जब द्विघात समीकरण मेरा होगा, यहाँ से x का जो मान निकालेंगे, x का होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इतना का रूट बटे टू ए। इस चीजें फॉर्मूला है, इस द्विघात समीकरण निकलता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको याद करना है,
तो क्या करना है, इसको याद करना, ऐसा सूत्र होता है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए वही ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी, तो यहाँ बी एक्स सी, यहाँ सी, इस तरीका से निकलता है। तो यही जो एक्स का जो यहाँ दो गो मान निकला है, एक्स का यहाँ से दो गो मान, पहला अल्फा बराबर देखो क्या होगा, अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, और दूसरा बीटा बराबर क्या निकलेगा, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। यहाँ से तुमको दो गो मान निकला है, ठीक है, यहाँ से दो ठो वैल्यू निकला है, ठीक है, दो गो निकला है वैल्यू। अब कैसे देखो, यहाँ प्लस माइनस है, एक बार क्या लिए प्लस वाला, ये जब एक्स तो एक्स का मान दो गो, इसका पावर जितना रहता है एक्स मान उतना रहेगा, यदि ये नहीं रहेगा पावर एक हो जाएगा, किस समीकरण तक हो जाएगा, तो उस रेखिक समीकरण होगा, तो उस कंडीशन एक्स पावर एक है, एक्स का मान एक गो निकलेगा, और पावर दो एक्स का मान दो गो, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर बजे टू ए, एक बार लिए प्लस वाला, ये टर्म लिख दी, ये टर्म लिख दी, ये टर्म लिख दी, एक बार लिए माइनस वाला, माइनस वाला क्या किए, माइनस वाला ये माइनस सिर्फ यहाँ प्लस में बाद में की वही है, ठीक है, ये हो गया तुमको सॉल्यूशन, ऐसे एक्स का मान निकलेगा, ठीक है। अब देखो पहले थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे हम सवाल पर चलेंगे। अब देखो ये इसे बोलते हैं मूल, इसे क्या बोलते हैं मूल, ये क्या है मूल है, शून्य की उसी, यही अल्फाबीटा शून्य कहा जाता है, मूलों का योग, कोई मूल बोलता है कोई शून्य बोलता है, अपना मन है, उसी मूल को जो बोलना है बोलो। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से मूलों की, इसको फेयर बना के लिखना है मूलों की, ठीक है, वही की वैसे छोड़ देंगे बस हो जाएगा, मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स, और जितना बताते हैं उसको कंट्रोल करो, नेचर प्रिवाइज करो, एक वीडियो को दो बार तीन बार देखो, नहीं आता है समझ में फिर भी नहीं आता है तो फोन लगा कर पूछो, मूलों की प्रकृति बेटनेस नहीं होता है, मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, यानी कब द्विघात समीकरण का एक्स, अभी बताए थे यहाँ पर, ये जो मेरा द्विघात समीकरण है एक्स का मान यहाँ निकलेगा दो गो, एगो अल्फा एगो बीटा, एगो इसे भी मूल कहते हैं, इसे भी मूल कहेंगे, ये पहला मूल ये दूसरा मूल, ठीक है। अब देखो तो कब एक्स का मान निकलेगा कब नहीं निकलेगा, उसका भी कुछ नियम कानून होता है, द्विघात समीकरण की प्रकृति विवेचक। अब देखो मूलों की प्रकृति, यहां लिखेंगे हम द्विघात समीकरण की प्रकृति, द्विघात समीकरण की प्रकृति विवेचक, विवेचक द्विघात समीकरण की प्रकृति विवेचक, इसे ही कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पर निर्भर करता है, कैसे अभी देखो, जिसे जिसे कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, ठीक है, यानी मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स जो है, कब द्विघात समीकरण का रूट्स निकलेगा और कब नहीं निकलेगा, ये डिपेंड करता है तुमको विवेचक पर, किस पर डिपेंड करेगा, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट पर करेगा, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेगा, यानी यहाँ से बोलेंगे इसीलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी बराबर तुमको निकल गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, इसी डी को कहा जाता है विवेचक, इसे वो क्या बोलेंगे, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। यही इसी डी पर निर्भर करेगा द्विघात समीकरण का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब देखो मूलों की प्रकृति की शर्त का होता है कंडीशन, CONDITIONS, मूलों की प्रकृति की शर्तें, कंडीशन देखो क्या है। एक नंबर में कभी क्या होगा, ये जो डी बराबर बी स्क्वायर एग्जाम्पल देंगे सब समझ में चला आएगा। ये जो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, अब देखो ये जो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकला, यदि यदि डी ग्रेटर देन जीरो, यानी डी क्या हो पॉजिटिव हो, जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब यहाँ कोस्ट में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रियल नंबर। डी क्या हो, डी रियल नंबर हो, रियल नंबर हो, यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। यदि वास्तविक संख्या नहीं आता है तो बोल देना, उसका भी वीडियो बना के भेज देंगे, समझ में आ जाएगा वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो यदि d ग्रेटर देन जीरो हो, यानी क्या हो रियल नंबर वास्तविक संख्या हो, यानी एक दो तीन चार, एक बटा दो पांच बटा छह, ऐसे निकले, मतलब माइनस नहीं निकले, प्लस में निकले, बटा चाहे जो भी हो रूट में हो चलेगा, लेकिन माइनस नहीं निकलना चाहिए, तब देखो क्या होगा। अब डी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो, उस कंडीशन में इतना हो तो, इतना हो तो समीकरण के मूल, समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा, तब मूल क्या होगा वास्तविक और असमान होगा। ऐसा भी होगा कोनो केस जब डी बराबर जीरो यानी डी बराबर जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या हो, जीरो हो, ऐसा हो तो समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, वास्तविक और समान होगा। और तीन नंबर में यदि d लेस देन जीरो अर्थात बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन क्या हो, जीरो हो तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे मतलब वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं क्या भी अंदर क्या पढ़ा है। ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका व्यापक फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण व्यापक फॉर्म है, ये भी द्विघात समीकरण है। सिर्फ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट, ये टर्म नहीं होना चाहिए गोल, यदि ये टर्म नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से इसका मान निकालेंगे, ये ऐसे निकलेगा, अल्फा बराबर ये निकला, बीटा बराबर निकला, दो तीन वीडियो को अपने देख लो, समझ में आ जाएगा, नया था समझ में तो, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स देखो, द्विघात समीकरण की प्रकृति विवेचक पर निर्भर करेगा कि द्विघात समीकरण का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी डी पर, जी का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है फोर ए सी होता है। अब देखो विवेचक डिस्क्रिमिनेंट इसका कंडीशन है, यदि डी ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव हो तो एक्स का जो मान निकलेगा, दो को मान निकलेगा और दोनों मान आपस में बराबर नहीं होगा,
यदि डी बराबर जीरो हो एक्स का तो दो का मान निकलेगा, लेकिन दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, और जब जी निगेटिव हो तो एक्स का कोई वास्तविक मान नहीं निकलेगा, यानी कोई यानी एक्स का कैसा मान निकलेगा, काल्पनिक इमेजनरी नंबर निकलेगा। ठीक है, अब देखो अभी जितना बताए इस पर एग्जाम्पल पहले देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो 2x² + 4x + 3 क्या यह द्विघात समीकरण है, तो हाँ बोलेंगे हाँ है, हाँ है। पूछेगा यह द्विघात समीकरण है, तो हाँ है यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर x² कोफिशिएंट कितना है, 2। ये किसके फॉर्म में है, देखो ये ax² + bx + c के रूप में है, तो यहाँ एक्स कोफिशिएंट a है और यहाँ एक्स कोफिशिएंट कितना है, 2। a बराबर कितना होगा, 2 होगा। x कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ x कोफिशिएंट क्या है, 4, तो b बराबर क्या होगा, 4। यहाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट के बराबर, c बराबर 3। अब इस द्विघात समीकरण का देखो मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बात हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अभी जितना थ्योरी पढ़ाए इसमें सब समझ में आएगा क्या है नहीं है। इसके लिए हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, और डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब b का देखो मान कहते हैं 4, तो 4² - 4 गुना a का मान 2, c का मान 3 निकला। तो क्या हुआ यहाँ से देखो, अब गुना करो, d बराबर 4 * 16 - 4 * 8 = 24, 4 * 8 = 24। अब देखो 16 में 24 कितना होगा, 16 में 24 गया, घटाओ इसको कितना होता है, 24 - 16 अपना गुना हुआ करता तुम। ठीक है, 16 में 24 क्या होगा, -8, यानी d बराबर -8 क्या होगा, लेस देन 0। बताओ इससे x का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ यदि यहाँ पर कहेगा, सवाल कहेगा निम्न द्विघात समीकरण में, समीकरण का यदि कोई मूल है तो उसे है तब निकालें, नहीं है तो नहीं निकालें। ठीक है, नहीं है तो दूसरा चीज था, नहीं है तो नहीं निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालते थे हम सॉल्व करने के लिए, ये मेरा सवाल है, 12x² + 4x + 3 = 0 है, a बराबर 2 हुआ, b बराबर 4, c बराबर 3, d बराबर निकाले लेस देन 0, यहाँ d लेस देन 0 है। अब देखो जब d लेस देन 0 होगा क्या होगा, हो तो समीकरण के मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा, कोई मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई मूल नहीं निकलेगा। अब देखो काल्पनिक होगा, यहाँ d लेस देन 0 है, अतः x के कोई भी वास्तविक मान नहीं निकलेंगे। ठीक है, x से कोई वास्तविक मान नहीं निकलेंगे, ये होगा इसका, कोई वास्तविक मान नहीं निकलेगा, यदि नेगेटिव आ गया तो नहीं निकलेगा, यदि पॉजिटिव आता तो हम निकालते। अब दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ मान लो x² - 4x, ठीक है, -4 = 0, यही बात, निम्न द्विघात समीकरण का यदि कोई मूल हो तो इसमें वही बात, मूल है तो निकालिए, कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ ये मेरा दिया हुआ है, यहाँ से a का मान कितना होगा, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, a का मान कितना होगा, 1, वो बताएंगे, a का मान कितना होगा, 1, b का मान कितना होगा, -4, c का मान कितना होगा, -4। ठीक है, अब देखो यहाँ से मान निकालो, कैसे निकलेगा मान, क्या निकालेंगे पहले, यानी कहे क्वेश्चन कहेगा ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल निकालें, यानी मूल कहेगा या शून्य कहेगा या एक्स का मान निकालें या इसका गुणनखंड करें, एक ही बात हुआ। देखो क्या क्या कह सकता है क्वेश्चन में, इस द्विघात समीकरण क्वेश्चन में कहेगा मूल निकालने, कहेगा गुणनखंड करें, क्या बोल सकता है,
गुणनखंड तीन चीज कह सकते हैं निकालें, गुणनखंड करें और कह सकता है या शून्यक निकालें, क्या कह कहेगा शून्यक निकालें। तो यही सब विधि अपनाना है तीनों क्वेश्चन, गुणनखंड से अलग बनेगा, गुणनखंड से है ना इसका अलग प्रोसेस है गुणनखंड का, लेकिन मूल निकालने या शून्यक निकालने का यही प्रोसेस बनाने का है। ठीक है, तो डी बराबर निकालो बी स्क्वायर माइनस क्या होगा फोर ए सी, डी बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये जो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अब देखो अब बी का मान कितना है माइनस चार, तो माइनस चार का क्या होगा स्क्वायर होगा, माइनस चार का स्क्वायर, माइनस चार का स्क्वायर माइनस फोर गुना ए का मान कितना होगा एक, ए का मान दे दिए, सी का मान कितना है माइनस चार। अब देखो डी बराबर चार चौके सोलह, माइनस माइनस पहला चार चौके सोलह, सोलह दूना सोलह बत्तीस, डी बराबर कितना निकला बत्तीस निकला। अब डी का मान कितना निकला है बत्तीस, चलो तो डी का मान देखो बत्तीस है, ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो एक्स का क्या को मान निकलेगा दो निकलेगा और दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, अभी निकाल कर देखेंगे तो वही होगा। अब चलो अब इस द्विघात समीकरण इधर बताए थे, जब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी के रूप में हो, एक्स का दो गो मान एगो एगो मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, यहाँ से अलग अलग कर दिए थे, यहाँ से आप बोलेंगे अब क्या बोलेंगे एक्स बराबर, चूंकि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा क्या होगा टू ए होगा होगा। अब देखो अब सबका मान दिया हुआ है, सबका मान रखो ठीक। अब देखो तब बोलेंगे x बराबर, अब देखो यहाँ से x बराबर क्या है, यहाँ पर x बराबर माइनस बी है, तो b का मान माइनस चार, माइनस पहले से है b का मान माइनस चार है, तो माइनस पहले से b का मान माइनस चार ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद क्या है प्लस माइनस। अब देखो रूट में यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ है, इसका मान हम पहले निकाल चुके हैं d, यही कितना निकला है बत्तीस निकला है, d बराबर बत्तीस है ना, बत्तीस है d बराबर क्या है बत्तीस है बटे, अब क्या होगा बटे टू ए टू, तो ए का मान एक है टू गुना एक, ए का मान यहाँ एक है ना, तो टू गुना क्या होगा एक होगा टू गुना एक ठीक है। अब यहाँ देखो x का मान निकालो माइनस माइनस प्लस चार प्लस माइनस रूट अंडर बत्तीस बटे दू निकला, चलो x का मान दू गो क्या होगा x का मान दू गो, एगो चार एगो प्लस वाला रूट बत्तीस बटे दू, एगो माइनस वाला चार माइनस रूट बत्तीस बटे दू। अब बत्तीस का तो वर्गमूल होता नहीं डायरेक्ट, तो अब करें इसको क्या, तब देखो क्या कर सकते हैं, बत्तीस है ना इसको ऐसे लिखेंगे, बत्तीस को यहाँ देखो बत्तीस को क्या लिखेंगे, यहाँ से हम रूट बत्तीस है, रूट बत्तीस है इसको लिखेंगे सोलह गुना दू, सोलह गुना दू लिखेंगे, और सोलह का वर्गमूल क्या, सोलह का क्या लिख सकते हैं चार गुना दू लिखेंगे, ऐसे होगा तो चार बाहर आएगा, एक ठो स्क्वायर है तो चार के पावर देखो यहाँ कैसे होता है, चार के पावर दू है, ऐसे लिखेंगे ऐसे हो सकता है, तो चार यानी ये सोलह ऐसे है ठीक है, तो ये कितना होगा चार गुना रूट टू, डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ भी है तो इसको ऐसे लिख सकते हो रूट सोलह गुना रूट टू होगा, रूट सोलह गुना रूट सोलह, ये रूट सोलह गुना रूट टू, तो रूट सोलह वर्गमूल कितना होगा चार होगा, चार गुना रूट टू, ऐसे भी मतलब रूट बत्तीस को लिख रहे हैं चार गुना क्या लिखेंगे रूट टू, तो चार प्लस फोर इंटू रूट टू बटे टू, फोर माइनस फोर इंटू रूट टू बटे टू। अब देखो यहाँ से अब क्या करेंगे एक्स बराबर दो कमन लो ऊपर में, या दो से भाग लगाओ दो दुना चार, दो प्लस दो दुना चार, ये निकला दो दुना चार दो दुना चार, ये निकला एक्स का मान, यानी अल्फा बराबर हो गया टू प्लस टू रूट टू, और बीटा एगो का अल्फा मान लेगा दूसरा का बीटा मान लिए टू माइनस टू रूट टू, यही मूल हुआ ठीक है, लिखेंगे यही मूल हुआ ठीक है। चलो तक समझ में आया, आगे बताते हैं, अब दोनों केस देख लिए, पहला केस देखे हम यहाँ डी लेस देन जीरो था तो कोई मान नहीं निकला, यहाँ देखो यहाँ पर डी ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स के दो गो वास्तविक मान निकला, एक्स को दो गो मान
दोनों बराबर पास में नहीं है, इसमें 2+√2 है, ये 2 √2 है, ये अधिक है ये कम है, दोनों बराबर नहीं है। आप देखेंगे ऐसा के जिसमें डी बराबर क्या हो, जीरो हो, तब क्या होगा, एक्स का मान 2 का मान निकलेगा, दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। देखो तीसरा नंबर प्रॉब्लम, पहला दूसरा तीसरा नंबर प्रॉब्लम देखो, ठीक है। मूल्य निकालने के लिए निम्नलिखित निम्न द्विघात समीकरण का मूल निकालें। अब यदि क्वेश्चन यह कहेगा और सिर्फ द्विघात समीकरण रहेगा तो उसको दो तरीका से बन सकता है, ऐसे गुणनखंड विधि से बात बताएंगे, पहले जो बता रहे हैं अभी जो मेथड बताया था उसी मेथड से हम निकाल रहे हैं। देखो मान लेते हैं यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण, ऐसे क्या करना है इसका मूल निकालो या शून्यक बोलेगा निकालने के लिए, वही है अल्फेबीट मांग रहा है तुमसे, समझा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, ए का मान कितना होगा, एक्स कोफिशिएंट ए का एक हो गया, बी का मान कितना होगा यहाँ से 6, सी का मान कितना हुआ 9, अब क्या निकालेंगे डी, क्योंकि डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकला, ठीक है, चलो दिखाई दे रहा होगा ना, फायदा ऐसे ना, चलो ऐसे ही देखो। अब क्या करें, तो यहाँ से हमको मान निकला हुआ है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 1, बी बराबर यहाँ 6 है, सी बराबर 9 है, यहाँ से देखो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से अब हम, हाँ तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी की जगह बी का मान देखो, बी का मान 6 है, बी का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना, ठीक है, 4 गुना ए का मान 1 है और सी का मान 9 है, तो देखो डी बराबर 6 6 36, 9 4 36 कितना निकला 0, डी बराबर कितना है 0, तो इसीलिए एक्स के दो वास्तविक मान निकलेंगे, एक्स के कितना निकलेगा, तो क्वेश्चन में बनाते रहो हमें जो प्रॉब्लम उससे ही पूछो, एक्स के दो वास्तविक मान निकलेंगे और क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होगा बराबर, दोनों होगा, ठीक है। अब देखो दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो अब सॉल्व करो, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ये मेरा है बी है, ये बी है, ठीक है, ये बी है। अब देखो तो एक्स बराबर माइनस बी, अभी का मान यहाँ कितना निकला हुआ है 6 निकला हुआ है, तो माइनस 6 प्लस माइनस अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखो, यानी डी यही रहे बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बराबर 0, ये 0 हो गया, बटे 2 गुना ए का मान देखो 1 है, अब बोलो एक्स बराबर माइनस 6 प्लस में 0 गुना 0 कुछ नहीं, तो छोड़ दो इसको, बटे क्या होगा 2 होगा, तो यदि कहेगा तो देखो प्लस माइनस 0 बटे 2, यानी एक्स का मान को क्या बोलेगा माइनस 6 प्लस 0 बटे 2 माइनस 6 माइनस 0 बटे 2, तो एक्स का मान देखो 0 में कुछ जोड़ेगा घटेगा उससे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो द्वितीया 6 माइनस 3 ये भी 0 में कुछ घटा वाला नहीं, तो माइनस 3 दोनों मान निकला, यानी अल्फा बराबर भी माइनस 3 और बीटा बराबर भी माइनस 3, यही हुआ शून्यक, इसे क्या बोलेंगे शून्यक या शून्यक या क्या बोलेंगे मूल बोलेंगे, एगो अल्फा हुआ एगो बीटा हुआ, चलो किसी को अल्फा, इसको पहला का अल्फा मानते दूसरा को बीटा मान दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या करें, हाँ तो अब अगला प्रोग्राम मेरा क्या है, अगला थ्योरी देखो पहले, ठीक, अगला चीज देखो, अब अगला जो हम निकालेंगे ये तो अपना गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व,
ठीक है। जैसे अभी प्रॉब्लम देखो, मैं यहीं तक रहने दो, इतना काम कर लेना, ठीक है। इस पर हम वर्क हम दे देते हैं इसी विधि से बनाना, ठीक है। निम्न अब बना कर दिखाना है, निम्न द्विघात समीकरण के यदि कोई मूल हो तो उसे निकालें, मूल हो तो निकालें, नहीं हो तो नहीं निकालेंगे अपना, उस देखना डी निकालेंगे, डी उधर जीरो हुआ, जीरो होगा तो क्या होगा, दो गो निकलेगा मूल, दोनों आपस बराबर होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, दो गो मान निकले, दोनों बराबर नहीं होगा। नेगेटिव होगा तो कोई निकलन करेगा। पहला है 3x² + 4x + 9 = 0, दूसरा है x² - 4x + 3 = 0, तीसरा है 3x³ + 9x ने स्क्वायर रहने दो +6 = 0, ठीक है। इतना काम कर करना है, एक उठो और लो, x² - 3x + 1 = 0, इतना काम तुमको कर करना, ये हुआ एच डब्लू, फिर चेक करेंगे, ठीक है। आगे यहीं यहाँ अपना काम करो, क्वेश्चन में बनाओ, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है पूछो, उसको फोन करके पूछो, या उसे भी नहीं होगा तो वीडियो बना देंगे, और उस पर भी जितना काम दिया उतना काम करो। एक बार में यदि नहीं समझ में आता है तो 3 बार वीडियो को देखो, ठीक है। देखने से पहले हम फोटो खींच के भेज देंगे, तो उसको पहले क्या करो, नोट कर लो कितना पॉइंट हम बताए हैं, उसके बाद लिख जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है तो उसको आगे में रखो, तब वीडियो चला कर वहाँ देखो। जहाँ नहीं आता है समझ में वहाँ दिमाग लगाओ, वीडियो पीछे करके भी देखो, नहीं आता है समझ में तो, ठीक है।